इसी के साथ जो है वो जेओए 817 के मामले को लेकर जरूर आज एक बड़ी अपडेट मिली है, जिसमें कि क्योंकि जेओए 817 के अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए जो है वो भर्तियों का प्रोसेस सरकार शुरू करे, उनका रिजल्ट जो है वो निकाला जाए, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से 817 के 800 पोस्टकोड 817 के रिजल्ट को रोकने की कोई बात नहीं कही गई थी। 817 का केस जो है वो हाईकोर्ट में भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, बावजूद इसके जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो कि सरकार की लेट लतीफी या फिर हम कहे कि सरकार के अधिकारियों के और कर्मचारियों के फाइलों की वजह से अभी तक जो है वो अपने कैरियर में अपने आप को डाउन जो है वो फील कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आज जरूर एक अच्छी खबर कहीं ना कहीं जो है वो निकल कर आई है, उम्मीद भरी खबर एक आगे 817 के लिए निकल कर आई है। हाईकोर्ट ने आज सरकार को कहा है कि हमने जेओए 817 के जो जेओए 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोकने के लिए नहीं कहा था, उनकी मेरिट ना बनाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए जो है वो राज्य सरकार 817 में 556 की जो पोस्ट है यहाँ पर 556 की जो 530 पोस्ट है यहाँ पर रखी गई है, उन 530 पोस्टों को साइड में रखते हुए यानी कि उनको अलग रखते हुए जो है वो बाकी जो है वो मेरिट यहाँ पर बना दी जाए, और कुल जो है वो 1798 के करीब 817 पोस्ट कोड की पोस्टें हैं। और इसको लेकर जो है वो आज हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं सरकार को कि आप जो है वो 530 जो 556 की पोस्टें हैं अभी फिलहाल उनको डिस्प्यूट करें, और उसके अलावा जो है वो अन्य मेरिट बनाई जा सके ताकि 817 के जो अन्य दूसरे अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी जो है वो ना हो। और इसी को लेकर जो है वो हमीरपुर चयन आयोग की ओर से सरकार से पूछा गया है कि अब जो है वो इसे किस तरह से आगे इस भर्ती का प्रोसेस करे 817 का, क्योंकि ये भर्ती जो है वो पूरी तरह से उलझ चुकी है, सरकार के अफसर इस भर्ती को लेकर उलझ चुके हैं, सरकार के कर्मचारी जो है वो इस भर्ती को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं, और इसीलिए ये मसला जो है वो बार बार कभी हमीरपुर चयन आयोग की तरफ जाता है तो कभी जो है वो सरकार के कार्मिक विभाग के पास पहुंचता है, लेकिन किसी भी अफसर के पास जो है वो एक ऐसा समाधान नहीं है ताकि इस भर्ती को आगे शुरू किया जा सके। फिलहाल पहले हाईकोर्ट को लेकर जो है वो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर इस भर्ती को रोका जा रहा था, लेकिन अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जो कहा है उसके बाद सरकार इस पर जरूर प्रोसेस शुरू करेगी, और कमीशन ने सरकार से जवाब भी जो है वो मांगा है कि आखिर जो है वो कैसे इस भर्ती को पूरा किया जा सके। लेकिन हमारे जेओए आईटी के बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रोजाना जो है वो इस अपडेट से हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो आपको एक राहत की उम्मीद हम जरूर यहां से दे सकते हैं। जो आज सरकार के अधिकारियों से, कमीशन के अधिकारियों से हमें जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट ने 817 के रिजल्ट को रोकने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, और हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है, और मेरिट जो है वो भी डिक्लेयर की जा सकती है। तो ये जेओए 817 का मामला था, और अब बात करते हैं।